नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चौबे। सावन के पहले सोमवार को कस्बा करहल के प्राचीन वनखंडेश्वर शिव मंदिर पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भक्तों का तांता लगा रहा। सैकड़ों की संख्या में भक्तगण बम भोले के नारे लगाते नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता ब्रजकिशोर मिश्रा की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम शर्मा। अच्छा अच्छा, हाँ आप क्या करने आए हैं मंदिर? मैं पूजा दर्शन करने आई हूँ। मैं हमेशा मंदिर में आया करती हूँ, उसमें मुझे शांति मिलती है जी मंदिर में आने से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ मंदिर में आने से, सुख शांति मिलती है जी। हाँ, थोड़ा बैठो यहाँ मंदिर में, भगवान के दर्शन करो, और भी दर्शन आरती आते हैं जी, पूजा अर्चना करते हैं, बस अच्छा लगता है बहुत। आज सावन का पहला सोमवार है, क्या खास होता है इसमें? आज इसमें भोले बाबा की जल अभिषेक होता है, हाँ, और गणेश भगवान का भी होता है, भोले बाबा को खास कर किया जाता है, जल अभिषेक होता है, रुद्र अभिषेक भी होता है, इसलिए महत्व होता है। अच्छा, इसका कोई खास वो जो पहला सोमवार है इसमें व्रत रहने से कुछ खास प्राप्ति होती है, क्या होता है इसका खास? प्राप्ति तो यही है, जो जिसके मन में होता है वो कामना पूरी होती है, भगवान करते हैं सबकी मनोकामना पूरी। आते तो सभी लोग मंदिर में इसीलिए हैं, कोई कुछ कामना करता है, कोई कुछ करता है। क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, यहाँ आप जो पूजा करने आए हैं, क्या यहाँ क्या लाभ मिलता है यहाँ पूजा से? शिव की पूजा करने से आत्मा को सुख और शांति ही मिलती है, और जीवन में संघर्ष करने में शिव की पूजा करने से शांति मिलती है जी। ये आप यहाँ पर हर सोमवार को आते हैं क्या? सावन के हर सावन के तो हर सोमवार को ही आता हूँ जी।